निगम भिलाई द्वारा आम जनमानस को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु जगह जगह पनघर का निर्माण कराया गया था। उनमें से एक पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे स्थापित है, जो पानी देने के बजाय वहां के दुकानदारों के लिए सुरक्षित स्टोर रूम बनकर रह गया है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा पूरे भिलाई क्षेत्र में जगह जगह पर आम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए पनघर की स्थापना की गई थी, जिसके तहत शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराना एकमात्र मकसद था। अब इनमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के पनघर सिर्फ एक मॉडल बनकर रह गए हैं। और अगर बात करें पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बने इस पनघर की, तो यहाँ के दुकानदारों के लिए यह सुरक्षित स्टोर रूम का काम कर रहा है और इसमें लगी मशीनें जंक खाकर बर्बाद हो रही हैं। इन मशीनों को देखकर इनकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस कीमत को नगर पालिक निगम भिलाई की उदासीनता की वजह से साफ बर्बाद होता देखा जा सकता है। यह पनघर अब ना तो यहाँ के दुकानदारों और ना ही यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने के काबिल रह गया है और ना ही इसकी उपयोगिता बची है। निगम प्रशासन इन सब चीजों को देखकर भी मौन बना हुआ है। पनघर के अंदर लगे मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए जिस दरवाजे में ताला लगा था, उसे भी यहाँ के दुकानदारों ने तोड़ दिया है और अपने कीमती और गैर कीमती सामानों के लिए इस पनघर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत कई बार निगम प्रशासन को की गई है, परंतु निगम प्रशासन ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है और कहीं ना कहीं निगम प्रशासन के द्वारा इसी तरह से पैसों की बर्बादी लगातार की जाती रही है। सर, मैं तो हमेशा देखता हूँ वहाँ पे पनघर है, एक ऐसा स्थिति दिखता जरूर है, लेकिन वहाँ पनघर के नाम पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो हम वहाँ हमारे जो यात्रीगण हैं बस स्टेशन में जो रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोग जो उस चीज़ के लिए जाते, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की सुविधा नहीं मिली। पनघर नाम का रह गया है वहाँ पे, वहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हम उसको उपयोग कर सके। पनघर के नाम पे उसको एक दिखावा किया गया है और वहाँ पे अर्थव्यवस्था कहा जाए तो आसपास के जो मैकेनिक हैं और जो भी इर्द गिर्द वाले होंगे, पता नहीं वहाँ उस स्थान को अपना जमघट बना के रखे। पानी एक बहाना है पब्लिक को दिखाने के लिए, वहाँ की मशीनें सड़ रही है, वहाँ की हर चीज़ सड़ रही है। ये तो सालों से है भैया, सालों से है। मैं तो जब भी जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पे ऐसा ही बस नल लगा हुआ है, बस दिखावे के नाम पे बस उसको पानघर बना दिया गया है। नगर प्रशासन को भी इस चीज़ को वांछित किया गया है आम पब्लिक के द्वारा, हम लोग के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ उसके आगे बढ़ाए, उसको सुविधा दे, ऐसा कुछ अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपके माध्यम से हम इस चीज़ को नगर प्रशासन को बताना चाहते हैं। उस पनघर को आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यात्रियों के लिए पानी की सुविधा कराए वहाँ पे और उसको थोड़ा सा उसको अच्छे से बना के उसको चालू कराया जाए। जरूरी होगा कि कम से कम गर्मी के मौसम में इन सभी पनघरों को दुरुस्त किया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों एवं राहगीरों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।